अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरे किचन में बने जा रही है एक बहुत ही चटपट रेसिपी जो फटाफट भी बन जाती है और सबको पसंद भी होती है। कीमे से रिलेटेड कुछ है तो बनने जा रहा है हमारे किचन में तवा कीमा। तवा कीमा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है आधा किलो कीमा, ये आधा किलो कीमा है, ये एक बड़ी प्याज, एक बड़ा टमाटर, तकरीबन सात हरी मिर्चें हैं, एक से दो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये मसालों में जो चीज़ें ली हैं मैंने तकरीबन एक छोटा चम्मच लाल मिर्चें, एक चम्मच नमक, एक चम्मच के से भी स्मॉल आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, टर्मेरिक हाफ चम्मच, उसके अलावा पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है आधा चम्मच, उसे गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, और ये काली मिर्चें ली हैं तकरीबन दो चम्मच। चलें बनाते हैं फिर, और जो इसमें डालेंगे हम तकरीबन आधी प्याली दही। चलें बनाते हैं फिर। मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें वो प्याज स्लाइस में काट के इसको ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कीमा। ये मैंने प्याज और कीमे को मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह इसको भुने ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, वाइट में आ गया। अब इसमें मैं चीज़ें ऐड करूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी ऐड करने लगी हूँ, टमाटर और हरी मिर्चें, इसको भी अच्छी तरह भूने, और सारे मसाले जो बताए थे वो मैं ऐड करने लगी और इनको मिक्स करें अच्छी तरह। देखें हमारा मज़ेदार सा तवा कीमा तैयार हो रहा है, ना मज़े का होता है। इसमें मक्खन डाल के भी खा सकते हैं, मक्खन में भी बनता है ये, और इसमें अंडे भी डालते हैं। इसको 10 से 15 मिनट तक कवर करके रख दें ताकि ये अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएं और कीमा भी गल जाए। इसके बाद इसको मीडियम से लो फ्लेम पर 15 मिनट तक के लिए पकाना है। अब इसमें ऐड करने लगे दही एक प्याली और इसको अच्छी तरह भून लें। ये देखें शक्ल, मैंने दही डाल के अच्छी तरह भूना है कि ऑयल अलग-अलग हो गया। ये देखें और ऑयल अच्छी तरह भुन जाए तो ये कीमा बिल्कुल तैयार है। इसमें एक चम्मच आप क्रश कोरिएंडर यूज़ करें। ये देखें हमारा तवा कीमा तैयार है। आप इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं और पराठा बना के उसके अंदर रोल भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसको काफ़ी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मुझे बताएं रेसिपी कैसी बनी।